हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। मैं आशा अपने गार्डनिंग चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गुलाब लगाना बताऊंगी फ्रेंड। इसको मैंने अपने गार्डन से उखाड़ा हुआ है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड, इसको हम पानी में फ्रेंड थोड़ी फंगीसाइड पाउडर डाल के उसी में कुछ देर के लिए भिगो देंगे। उसके बाद मैं आपको पॉटिंग सॉइल के बारे में बताऊंगी। ये फ्रेंड इसको फंगीसाइड पाउडर में भिगो देंगे ताकि कोई फंगस का अटैक ना हो। फ्रेंड ये है बालू, ये है मिट्टी फ्रेंड, ये है गार्डन सॉइल। इसको मैं अपने गार्डन से ले आई हूँ फ्रेंड। ये देखिए अपनी गार्डन की मिट्टी है। इसमें से जितने ही मतलब वेस्ट मटेरियल होगा फ्रेंड, उसको निकाल के फेंक दिया जाएगा ताकि फंगस का अटैक ना हो प्लांट में और प्लांट अच्छे से ग्रो करे। इसके बाद फ्रेंड इसमें कुछ हिस्सा वो डाल देंगे धान की भूसी, इतना धान की भूसी इसमें डाल देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड, इतना धान की भूसी डाल देंगे इसी में। ये हो गया, कुछ इसमें बालू डाल देंगे, वो तो अपने ऊपर है कितना कितना मात्रा मिलाना है कितना नहीं मिलाना है, वो तो सारी प्रक्रियाएं अपने ऊपर होती हैं। मैं इतना ही मिलाती हूँ, अधिक नहीं। अधिक मिलाने पर गर्मी के मौसम में प्लांट में पानी की कमी हो जाती है, बार बार पानी डालना पड़ेगा। ऐसे इतना भी मिला देंगे तो आपका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहेगा, प्लांट पानी की अधिकता से सड़ेगा नहीं। देखते रहिए फ्रेंड, ऐसे इसको पूरी तरह से इसको फेंक देंगे ऐसे। तो हम लोग जब तक मिला रहे हैं आप तब तक वेट कीजिए फ्रेंड। मैंने इसको मिक्स कर लिया, इसमें बालू मिट्टी और धान की भूसी। फिलहाल तो मेरे पास कोकोपीट नहीं है फ्रेंड, तो मैंने भूसी ऐड कर लिया इसमें। अब इसमें मैं मिलाऊँगी फंगीसाइड पाउडर। ये देखिए फ्रेंड, इतना सा फंगीसाइड पाउडर डाल दूंगी ताकि कोई फंगस का अटैक नहीं होगा। ये हम लोग का UPL का है, तो ये मम्मा बहुत बेस्ट होता है। ये देखिए ऐसे मिला लिया जाएगा पूरा। अब इसको मिलाने के बाद इसमें मैं कुछ खाद वगैरह डालूंगी फ्रेंड। इतना सा इसे क्या DAP बोलते हैं फ्रेंड, इससे रूट बहुत जल्दी आती हैं प्लांट में। और इसे पोटास बोलते हैं फ्रेंड, इसको भी डालना अच्छा होता है, ग्रोथ में जल्दी सहायक होती है, प्लांट जल्दी से ग्रोथ कर लेता है। ऐसे मिक्स कर लेंगे फ्रेंड, उसके बाद तो मैं आपको आज लगाना बताऊंगी। फ्रेंड ये देखिए, मैंने इसको भिगो कर रखा हुआ था कुछ देर के लिए, जो भी एक्स्ट्रा खराब इसमें प्लांट होगा हम उसको कट के निकाल देंगे, ऐसे कट कर देंगे और इसके ऊपर से वो लगा देंगे फंगीसाइड पाउडर ताकि कोई फंगस का अटैक ना हो और डंडियाँ सूखे नहीं, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही डंडी सूख जाती है। एक डंडी सूखती है प्लांट की तो सारी डंडियाँ सूखे। ऐसे हो गया, ये देखिए प्लांट, ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा गमला है 16 इंच का है, इसका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ है साइड में दिया हुआ है फ्रेंड। हाँ फ्रेंड देखिए, इसका ड्रेनेज सिस्टम यहाँ है साइड में दिया है, बीच में नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ ये छोटा सा पत्थर का टुकड़ा रखेंगे ताकि इसकी जो छेद है बंद ना होने पाए। कुछ इसमें मिट्टी डालेंगे, कुछ हिस्सा मिट्टी इसमें भर लेंगे फ्रेंड। ये देखिए भरने के बाद इसको मिला देंगे ऐसे, हाथों से दबा देंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड ये कटिंग ऐड है, ये कटिंग ऐड है फ्रेंड। इसको इसमें इसलिए लगा देते हैं ताकि मतलब कोई ये ना हो कि मतलब चांस पूरा 90% रहे, 1% भी कम ना हो, इससे अच्छे से मतलब जल्दी रूट ग्रोथ कर लेता है, रूट आने का ज़्यादा चांस रहता है इसमें।
थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है रूटिंग हार्मोन्स का। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, आज जल्दी मेरा ग्रोथ हो जाता है। जो प्लांट 15 दिन में ग्रोथ करना वो आपका 1 हफ्ते में दिख जाता है सर। ये देखिए फ्रेंड, इसको ऐसे गमले में शिफ्ट करेंगे और उसके बाद मिट्टी इसमें डाल देंगे। देखिए ऐसे ऐसे इसमें मिट्टी भरेंगे फ्रेंड। तो हम लोग आपको भर देंगे, तो हम आप लोग को दिखाते हैं फ्रेंड। अब देखिए इसको ऐसे खुरपे की सहायता से दबा देंगे ताकि जड़ें इसी में दब जाएं और कोई हवा वगैरह ना लगे। ऑक्सीजन जब ले लेती हैं जड़ें तो पकड़ने का कम चांस होता है, तब प्लांट पकड़ता नहीं, सूख जाता है। जब ऐसे दबा दिया जाएगा फ्रेंड अच्छे से, इतना मैंने खाली रखा है कि गोबर का जब खाद आएगा फ्रेंड तो डाल दूँगी। इस समय फ़िलहाल है नहीं मेरे पास, और जब आएगा तो उसमें मिट्टी मिलाकर गोबर इसी में डाल दूँगी। गोबर से और जल्दी असर करता है प्लांट पर। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से इसको दबा दिया। ये देखिए फ्रेंड, ये कंप्लीट हो गया। अब मैं इसमें जो ये वाला पानी बचा है उसको इसी में डाल दूँगी, जो हम लोग ने फर्टिलाइजर से बनाया था फ्रेंड। इस तरह से गुलाब को लगाया जाता है फ्रेंड। आपको मेरा चैनल पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। प्लीज़ शेयर ऑल्सो।